आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस बार दिवाली देश की अंतिम दिवाली हो सकती है, और प्रकृति अपना ऐसा कौन सा तांडव दिखाएगी जिसके चलते एक झटके में पूरा का पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा। क्या भविष्य मलिका ऐसी ही किताब की ओर इशारा कर रही है? क्या सच में भविष्य मलिका में की गई भविष्यवाणी सच होती है? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज के हमारे इस वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, त्योहार कोई भी हो उसे सेलिब्रेट करने का अपना एक अंदाज होता है। अभी दशहरे का जश्न पूरा हुआ भी नहीं कि सभी दिवाली की तैयारियों में जुट गए, और वो भी क्यों ना, ये साल का सबसे बड़ा त्योहार जो है जिसे हिंदू संस्कृति में बड़ी ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग नवरात्रि के बाद से ही इस त्योहार की तैयारियों में जुट जाते हैं। वेल दोस्तों, जैसा कि आप अभी सब जानते हैं कि अभी हाल ही में नवरात्रि निकल कर गई है और अब सभी दिवाली के स्वागत में जुट गए हैं, लेकिन इन खुशियों का हाथ थामे कहीं दुख भी दस्तक तो नहीं देने वाला। दरअसल दोस्तों, इस साल दीपावली पर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद पूरी दुनिया की रूपरेखा ही बदल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है, तो उसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। हाँ, जो लोग भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं कि भविष्य मलिका में इस बात का जिक्र कईयों साल पहले किया जा चुका है कि 2024 में दुनिया एक भयंकर बदलाव देखेगी। जी हाँ, संत अच्युत्यानंदा जी ने भविष्य मलिका में साल 2020-2030 के समय को लेकर कहा कि धरती पर ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ऐसी करवट लेने वाली है जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होने वाला है, तो आपको बता दें कि भविष्य मलिका के अनुसार आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं रौद्र रूप लेंगी, जिससे अग्नि से लेकर जल और वायु सभी विकराल रूप में नजर आने वाले हैं। अब जो लोग भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों पर यकीन नहीं करते उनको समझा पाना हमारे वश में नहीं है, लेकिन यहाँ हम ये जरूर कहेंगे कि अभी तक भविष्य मलिका में की गई अधिकतर भविष्यवाणियां सच ही साबित हुई हैं। इसलिए जो लोग भविष्य मलिका पर यकीन करते हैं वो इस बात की गहराई को भी समझ चुके हैं कि आने वाला समय संकटों से घिरा हुआ है। भविष्य मलिका के अनुसार एक और ऐसी भविष्यवाणी की जिसमें प्रकृति अपना बदला लेगी। अपने स्वार्थ के लिए इंसानों ने जो प्रकृति से छेड़छाड़ की है उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी, जिसका असर खेती पर भी होगा। किसान बारिश के लिए तरसेंगे और इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साइक्लोन यानी तूफान की हवाएं जहां जहां जाएंगी वहां बर्बादी फैलाएंगी। हवाओं की आवाज से ही लोग डर जाएंगे। भविष्य मलिका के अनुसार साल 2024 के बाद सूर्य से सोलर फ्लेयर निकलेंगे जो बहुत पावरफुल होंगे, और इनकी वजह से सैटेलाइट, रेडियो और इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे और पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी, यानी पूरी दुनिया ब्लैकआउट हो जाएगी, यानी दुनिया में कहीं पर भी बिजली नहीं होगी। अभी मई 2024 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर धरती से टकराया जिससे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान के सभी रेडियो स्टेशंस बंद हो गए थे। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि क्यों दिवाली पर महाविनाश की बात की जा रही है। इस बात को समझने के लिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि 18 दिसंबर को चंद्र ग्रहण लगा था, और इस चंद्र ग्रहण के बाद से ही प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाएंगे। यानी सीधे लफ्जों में कहा जाए तो असली तांडव 2024 से ही शुरू होने वाला है। कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस बार जो बारिश ने अपना तांडव दिखाया वो तो याद ही होगा, कितना दिल दहला देने वाला नजारा था। इसके अलावा भविष्य मलिका में 24 नवंबर का जिक्र भी किया गया है। यह इशारा है कि धरती के विनाश की शुरुआत हो चुकी है, और वहीं हम इस कंत भविष्य मलिका के हिसाब से आपको 2024 में की गई प्रेडिक्शंस के बारे में बताएंगे, तो शायद जो लोग बीपी के पेशेंट्स ना हो वो भी हाई बीपी के पेशेंट्स हो जाएं, या फिर आपको रात की नींद ही ना आए। दरअसल हम इस बात पर इसलिए भी जोर दे रहे हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद कई ग्रहों की स्थिति बदलती हुई नजर आने वाली है, जिसमें शनि देव नाराज यानी कुपित होने वाले हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार शनि देव की 7.5 धरती पर पड़ने वाली, वहीं बृहस्पति भी अपनी जगह बदलेंगे। इन सब के अलावा सूर्य देव को लेकर भी ये बात सामने आई है कि वो किसी दूसरे नक्षत्र में चले जाएंगे।
इस तरह ग्रहों की बदलती हुई स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि धरती का अंत नजदीक आ रहा है। इन सब की शुरुआत इसी साल दिवाली में देखने को मिलेगी। लेकिन उससे भी जरूरी बात जो हमने आपको बताई वो ये कि इस दिवाली पर हम सभी को अग्नि तांडव देखने को मिल सकता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अग्नि तांडव, जिसमें लाखों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन हम इस तांडव से बच भी सकते हैं, पर आखिर वो कौन से बचाव होंगे जो हमें इस तांडव से बचाएंगे, उन्हें जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो कर दें और अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को शेयर कर दें ताकि वो भी इस बारे में जान सकें। सबसे पहले आपको बता दें कि अग्नि तांडव किसी छोटे शहर को अपनी चपेट में नहीं लेगा। यहाँ आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, इस तांडव की झलक किसी बड़े शहर यानी महानगर में देखने को मिलेगी। यानी अग्निदेव अपना गुस्सा किसी बड़े शहर पर उगलने वाले हैं, जिससे पूरा का पूरा शहर वीरान हो जाएगा। क्योंकि ग्रहों की दशा यही बता रही है कि ग्रहों के परिवर्तन और ग्रहण लगने की वजह से ये सब होगा। वहीं राहु केतु भी गुस्साए बैठे हैं और उनके गुस्से से तो भगवान भी नहीं बच पाए, तो फिर ये धरती है। कहने का मतलब ये कि धरती पर इसका प्रकोप देखने को मिल सकता है। कहा जाता है कि राहु केतु ऐसे खतरनाक ग्रह होते हैं जिनके गुस्से से भी बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और ये बात हमें सबसे भयानक घटनाओं के रूप में देखने को मिल सकती है। भविष्य मलिका भी साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे जैसे ग्रहों में परिवर्तन होगा वैसे वैसे प्रकृति अपना विकराल रूप दिखाएगी। ये सब तो ठीक है, लेकिन दीपावली के दिन अगर कोई ऐसी घटना पड़ी जिसका जिक्र बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर और खुद भविष्य मलिका कर रही है, तो क्या इन सब से बचने का कोई उपाय नहीं? बिल्कुल है, बस आपको उस दिन अग्नि से दूरी यानी आग से दूरी बनानी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा पाठ न करें, वो सब आपको विधिवत तरीके से करना होगा। ईश्वर का ध्यान लगाइए, इस तरह आप अग्नि के प्रकोप से बच सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार दिवाली खतरनाक होने वाली है, और इसलिए कहा जा रहा है कि शायद यह अंतिम दिवाली हो सकती है। इसके अलावा अगर साइंटिस्ट्स की बात को माने तो बहुत जल्दी धरती से उल्कापिंड टकराने वाला है। अगर यह धरती से टकरा जाता है तो इस धरती का अंत निश्चित है, यानी पृथ्वी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस दीपावली को अंतिम दीपावली के रूप में मनाने की बात की गई है। हो सकता है कि यह सब इस दीपावली को देखने को मिल जाए, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन इसी बात ओर इशारा कर रहा है कि ग्रह क्रोधित हो चुके हैं और उनमें अग्निदेव भी शामिल हैं। इसलिए एक बड़ी हानि देखने को मिल सकती है जिससे हजारों लोग अपनी जान गंवाएंगे। भविष्य मलिका की कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर विश्वास न करने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे 2020 के बाद ऐसे बड़े भूकंप आएंगे जिससे दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, यानी कि जहां पर पहले पहाड़ थे वहां जमीन बन जाएगी, जहां पर जमीन थी वहां नदियां बन जाएंगी, जहां पर पहले नदियां थी वहां पहाड़ बन जाएंगे। इसी भूकंप से हमारी धरती का स्वरूप बदल जाएगा जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। वैसे दिवाली आने वाली है, इसलिए आप सभी को एडवांस में हमारी तरफ से हैप्पी एंड प्रोस्परस दिवाली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो। आपको क्या लगता है, ये दिवाली हमारी आखिरी दिवाली होगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।